आज इस वीडियो में मैं आपको DDA के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारी पोस्ट निकली है। जॉब की रिक्रूटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। अनगिनत पोस्ट है जो 12 बेस पे, डिप्लोमा बेस पे या ग्रेजुएशन बेस पे है। इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, पटवारी है, JEE सिविल है, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब से कब तक फॉर्म है, कितनी फीस है, फीमेल के लिए कितनी फीस है, मेल के लिए कितनी फीस है, और कौन सी जॉब निकली हुई है, कौन सी पोस्ट निकली हुई है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी किस में 12th मांग रहा है, किस में डिप्लोमा मांग रहा है। मैं पूरी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट तक दे दूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, वरना कोई सी भी चीज़ आपकी रह जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी। पता चला किसी में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और आपने नहीं देख पाए वीडियो, तो आपको पता चल पाएगा, आप बढ़ देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखें कि किस में कौन सी क्वालिफिकेशन है और क्या क्या मांग रहा है, तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट। ये है DDA की वेरियस पोस्ट जितनी भी निकली हुई हैं, उसके बारे में आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो टोटल वैकेंसी जैसे ये आप देख सकते हैं 687 पोस्ट निकली हुई है। हर पोस्ट अलग अलग निकली है, मैं आपको अभी पूरी डिटेल दूंगा, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हो, तो मिनिमम एज 18 साल चाहिए हर पोस्ट के लिए और मैक्सिमम 35 साल, यानी कि 18 से 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए इनकी, तो वो ये कोर्स ये पोस्ट भर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो JSA के नाम से जानी जाती है, इसमें टोटल सीट 194 निकली, यानी 194 सीट निकली हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ 12th चाहिए, यानी कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अलग से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 12th आप पास है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 194 पोस्ट है, पोस्ट भी अच्छी खासी निकली हुई है, इसमें सिर्फ 12th चाहिए और नॉर्मल टाइपिंग जो 35 वर्ड पर मिनट होते हैं ये चाहिए, या तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट हो, या इंग्लिश में अगर आप देना चाहें तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट हो। तो ये होगी आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो 12th बेस पे है, इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, बस टाइपिंग नॉर्मल, ये तो हर किसी में चाहिए होती है। ये DDA की है, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर निकली हुई है। और दूसरी पोस्ट है ये जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, यानी कि जो JEE सिविल है, ये डिप्लोमा बेस पे है, डिप्लोमा जो सिविल से किए हों वो ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी 236 सीटें निकली हुई हैं, पोस्ट निकली हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा ही पोस्ट है, ये बहुत कम निकलती है, वैसे तो बहुत कम निकलती है, 5-6 ऐसे ही निकलती है पोस्ट, तो इसमें बहुत ज़्यादा निकली हुई है जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसमें JEE सिविल, यानी इसमें सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा सिविल से अगर आपका है, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, 18 से 27 आपकी एज है, तो आप ये वाला भर सकते हैं। 236 में पोस्ट है। अब ये तीसरी आपकी जो पोस्ट निकली है, ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी 125 सीट है और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, ऐसे नहीं कि साइंस है या आर्ट्स स्ट्रीम, ये सब होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से, बस आपका ग्रेजुएशन पास है इंडिया की यूनिवर्सिटी में, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 30 है, यानी कि 30 के अंदर होना चाहिए। और ये है एक और पोस्ट, पटवारी। पटवारी इसमें जो सीटें हैं वो 40 सीटें हैं, 40 पोस्ट निकली है, इसके लिए भी सिर्फ बैचलर चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कोई इसमें वो नहीं है कि साइंस सेट चाहिए, आर्ट सेट चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, पास कर रखा है, तो आप इसको भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अब आपकी एक और पोस्ट ये है लीगल असिस्टेंट, तो इसमें ये है ज़्यादातर LLB वालों के लिए होता है, लॉ से रिलेटेड जो है, तो इसमें भी LLB चाहिए, जो 3 साल LLB चाहिए इसमें, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो जो LLB वाले हैं उनके लिए ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है। 15 पोस्ट निकली है और 30 साल चाहिए कम से कम। और जो है एक और पोस्ट निकली है नायब तहसीलदार, इसमें सीट थोड़ी कम है, 4 सीट है, लेकिन ये भी ग्रेजुएशन बेस पे है। इसमें ये है कि ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए और 50% से होना चाहिए, कम से कम आपके पास 50% होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो लेकिन 50% होना चाहिए, और 21 से 30 साल की एज के बीच में बीच वालों के लिए है नायब तहसीलदार की। एक ये है सर्वेयर, ये डिप्लोमा चाहिए इसमें, या नेशनल NTC होना चाहिए, ये डिप्लोमा वाले हैं इनका, और एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। एक ये है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, इसमें 9 सीटें निकली हैं, यानी कि 9 पोस्ट निकली है, इसमें भी बैचलर चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी उसमें कोर्स में हो, एज जो है 30 साल से अंदर होना चाहिए। एक और ये लास्ट पोस्ट ये है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसको जिस नाम से जाना जाता है ये है AAO के नाम से जाना जाता है। इसमें MBA चाहिए, MBA किया होना चाहिए, और MBA या CA CS किया होना चाहिए, 30 साल एज है। अब इसकी बात करें अगर इसमें कितनी कितनी पोस्ट है, अलग पोस्ट वाइज करते हैं, जैसे जनरल की अलग है और OBC की अलग है, EWS की अलग है, तो ये है JSA जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसकी जो जनरल की पोस्ट है वो 114 पोस्ट है,
यानी 114, 114 पोस्ट सिर्फ जनरल वालों के लिए है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका कॉम्पिटिशन 114 लोग के पोस्ट के बिहाफ पे होगा। EWS में 28 पोस्ट है, SC में 30 है, ST में 6 है, OBC में 16 है, टोटल 194 पोस्ट सिर्फ इस पोस्ट के लिए है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपको 114 सीटें में से कंपटीशन होगा। ऐसी है JEE सिविल है, इसमें 98 पोस्ट है जनरल के लिए, EWS के लिए 23 पोस्ट है, SC के लिए 35, ST के लिए 18, OBC के लिए 62। तो अगर आप OBC हैं तो 62 सीटें आपको में कंपटीशन है, अगर आप जनरल हैं तो इसमें 98 सीट में है। ऐसी ASO है, इसमें भी जनरल में 52 सीट है, 12 सीट EWS में, SC में 19, ST में 9, OBC में 33। पटवारी है, इसमें भी 17 सीटें जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए 10 है, और ये SC ST वालों के लिए है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अच्छे से। और ये लीगल असिस्टेंट है, इसमें भी जनरल के लिए 9 सीट है। ऐसी ये सारे हैं, नायब तहसीलदार है, आर्किटेक्चरल है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है जिसमें जनरल में 23 सीट है। तो ये अलग अलग इन्होंने बांट रखा है, इसमें आपको देख के बहुत आसानी हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो अब इसकी डेट की बात कर लें कि कब फॉर्म निकला है, कब चल रहा है। तो फॉर्म अभी इसके निकले हुए हैं और इसकी लास्ट डेट भी आ गई है और फीस भी आई हुई है। तो मैं आपको इसके पहले आपको डेट बता देता हूँ। डेट जो है इसका ये है, 3 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, इसके लास्ट डेट 2 जुलाई को है, यानी कि 2 जुलाई 2023। अभी फॉर्म चल रहे हैं, आप इसको भरना चाहें तो भर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है 3 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट 2 जुलाई। 2 जुलाई से पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इसका। इसकी पेमेंट की लास्ट डेट भी 2 जुलाई, यानी कि उसी दिन आपका फॉर्म के भी लास्ट डेट है, पेमेंट की लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे रखी है 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा। तो आपका यानी कि एग्ज़ाम भी आपको करीबी हो जाएगा, आपको पूरा हो जाएगा सितंबर तक, आपको पूरा पता चलेगा। इसकी फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC, EWS इन तीनों कैटेगरी के लिए 1000 रुपये का फॉर्म है। और वो भी यानी कि आपका OBC हो, जनरल हो या EWS हो, तो 1000 रुपये इसकी फॉर्म फ़ीस है एक पोस्ट की। और फीमेल के लिए, इसमें फ़ीमेल का बहुत बेनिफिट है, फ़ीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है, 0 nil, यानी कोई फ़ीस नहीं करना है। यानी कि अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में फॉर्म भराएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। और मतलब फ़ीमेल कैटेगरी के लिए उन्होंने फ्री कर रखा है, SC ST वालों के लिए भी फ्री है, और जनरल OBC EWS वाले जो हैं उनको 1000 रुपये पे करना होगा इस पोस्ट के हिसाब से। तो ये आपकी पूरी डिटेल मैंने आपको इसमें दे रखी है।